आज हम आए हैं ओल्ड दुबई। इसकी दीवारें और इसके स्ट्रक्चर देखे ही समझ में आ जाता होगा कि नए दुबई से ओल्ड दुबई कितना डिफरेंट है, बट अपने आप में एक्सक्लूसिव है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा ओल्ड दुबई कवर कर पाए। सबसे पहले हम आए अल फयादी हिस्टोरिकल नेबरहुड में। अल फयादी जाना जाता है अपने हिस्टोरिकल नेबरहुड के लिए, जहां देखने को मिलती है पुरानी इमारतें जैसे कि शेख शहीद अल मकताउन हेरिटेज, जो कि एक रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था, और अब वहां हिस्टोरिकल फोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होती है। हेरिटेज एंड डाइविंग विलेजेस, जो कि पुराने घर है, और अब वो म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी, कल्चरल सेंटर्स और कैफ़े में कन्वर्ट हो चुका है। फिर आते हैं अल फयादी फोर्ट, जो कि आज के दिन दुबई म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है, और वहाँ हम पर्ल डाइविंग की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। एक ज़माने में पर्ल डाइविंग यूएई का मेन बिजनेस हुआ करता था और इसकी पूरी इकोनॉमी इसी के ऊपर डिपेंड करती थी। 19th सेंचुरी में दुबई में फ्री ट्रेड पॉलिसी से प्रभावित होकर ईरान के बस्ताक क्षेत्र के लोग यहाँ पर्ल और टेक्सटाइल ट्रेडिंग करने के लिए आते थे। पर्ल डाइविंग का सीज़न अप्रैल से सितंबर के बीच में होता था। उस वक्त ईरानी यहीं रह के पूरा बिजनेस संभालते थे। इनफैक्ट पूरा पर्ल ट्रेडिंग उनके कंट्रोल में ही था। ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा घूम के एक्सप्लोर करते हैं कि अल फयादी कैसा दिखता है। यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि अरब्स रेगिस्तान में कैसे रहते थे। वो बकरी के बालों से घर बनाते थे, जो कि टिकाऊ भी होता था और इजीली बन भी जाता था। और यहाँ पे फैल्कन बर्ड भी दिखाई गई है, जो कि इनकी नेशनल बर्ड है। रेगिस्तान हो और कैमल्स ना हो, ये तो हो नहीं सकता, तो यहाँ दो कैमल्स भी रखे हैं। अल फयादी लोकेटेड है दुबई क्रीक के तट पे। दुबई क्रीक ट्रेडिंग हब हुआ करता था अर्ली 19th सेंचुरी में, और ईरानीज यहीं आते थे अपनी ट्रेडिंग के लिए। 6 महीने तक वो यहीं रहते थे। उस पीरियड में, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक डाइविंग का सीज़न हुआ करता था, और उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। इस वजह से जो ईरानी ने अपना घर बनाया था, वो भी बहुत सोच समझ के बनाया था। घर ठंडा रहे, इसके वजह से जो मटेरियल यूज़ किया था वो था कोरल, मिट्टी, चंदन और टीक की लकड़ियाँ और पाम के पत्ते। 4 विंड टावर्स भी लगाए थे, जो कि गर्म हवा खींच के ठंडी हवा फेंकता था। समझ रहे हो? ईरानीज बस्ताक क्षेत्र से आए थे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा अल बस्ताकिया, जिसको आज हम अल फयादी हिस्टोरिकल नेबरहुड के नाम से जानते हैं। यहाँ करीब 50 ट्रेडिशनल इमारत है, जिनको यूज़ किया जाता है एज ए म्यूज़ियम, कल्चरल सेंटर, ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह के लिए। हम इस घर के अंदर आए हैं, इसको यूज़ किया जाता है ऑफिशियल मीटिंग्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए। Such a nice restaurant behind me, little unique, where if you see the chairs and tables are little different, the sitting arrangement, everything white with the midst of flowers. It is called Arabian Tea House. It's really nice to see such a lovely sitting place where you can sit, relax and eat peacefully and enjoy the ambiance. See how beautiful it is. यह है वॉल ऑफ ओल्ड दुबई। दुबई सिटी में दो पुरानी दीवारें थी। 1880 में बड़ दुबई में एक दीवार खड़ी करी थी, जिससे कि सिटी को एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट किया जाए। वो सराउंड करती थी फयादी फोर्ट, ग्रैंड मॉस और रेसिडेंशियल हाउसेस को। अर्ली 20th सेंचुरी में इस वॉल को डिमोलिश कर दिया गया, क्योंकि सिटी अपने एक्सपांशन मोड में थी। 2001 में
इस वॉल को रीस्टोर किया गया और ये फाउंडेशन वॉल है एज ए हिस्टोरिकल एविडेंस। यहाँ जगह जगह वॉल पे पेंटिंग्स बनी हुई है और ये भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री को रिलेट करती है। इस घर को कन्वर्ट कर दिया आर्ट गैलरी में। ये दुबई म्यूजियम का पार्ट है और यहाँ रखे हुए हैं डाउ जो कि बोट्स है, यूज होती थी डाइविंग के लिए। उस वक्त डाइविंग के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तो जब डाइविंग के लिए जाते थे तो नाक को प्लग करते थे टर्टल शेल क्लिप से और ईयर को ईयर वैक्स से बंद करते थे और जाने के पहले कॉफ़ी और खजूर जरूर खा के जाते थे। आज भी दुबई में खजूर और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत चलता है। यहाँ प्रेयर रूम्स बने हुए हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग, जिसको भी यूज़ करना हो जाके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ सिटिंग स्पेस भी है, तो आप यहाँ बैठ के ठंडी हवाओं में अपने इवनिंग में आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये एक हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ आप आके सब कुछ एक साथ आपको पता चलता है कि दुबई के घर कैसे होते हैं, दुबई में दुबई का मार्केट कैसा होता है, दुबई का कल्चर कैसा होता है। सो दिस एक्चुअली डिपिक्ट्स द कल्चर ऑफ दुबई। यह है फिलैथली हाउस जो कि एग्जिबिट करता है स्टैम्प्स राइट बिफोर यूएई फेडरेशन से लेके अभी तक जो भी डेवलपमेंट है, आपको सारे स्टैम्प्स यहाँ देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी शॉपिंग हो जाए तो चलते हैं अलसीफ हेरिटेज सूक की तरफ, जहाँ आपको ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, सोविनियर, एक्सेसरी, ज्वेलरीज और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे और आप उसको रिलेट कर सकते हो ओल्ड दुबई के हिस्ट्री से। कॉफी लवर्स के लिए यहाँ स्टारबक्स भी है। ओल्ड दुबई काफी बड़ा है, तो हमने इसके बाद कवर किया था म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, गोल सूप और स्पाइस सूप, जो मैं लेके आऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, तो मैं उसी तरह के कंटेंट्स बना के आपके लिए लेके आऊँगी। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले अपने नए वीडियोज़ के लिए। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, मैं फिर मिलूँगी। बाय बाय।